तो आज गाइस फाइनली लॉन्ग वीडियो लेके आ चुका हूँ, और आज नहीं है कि इनडायरेक्ट गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि आज मैंने बोला भाई चलो चार पाँच दिन से वीडियो अपलोड नहीं करे, आप लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल वीडियो लेके आते हैं। आज लेके आ चुका हूँ वो भी इनडायरेक्ट शॉट वाला गेम प्ले, और आपको मजा आएगा, हर गेम में आपको इनडायरेक्ट शॉट देखने को मिलने वाला है। तो बने रहो अभी वीडियो में, और अभी से लाइक कर दो गाइस, अगर चल लाइक नहीं हो तो वीडियो को तो अभी जाके लाइक करो, और भाई 500 लाइक चाहिए मुझे एक दिन के अंदर, तो जल्दी जाके लाइक करो। और चलो चलते हैं भाई, अब गेम को फिनिश करते हैं। यहाँ पे देखो गाइस फिलहाल किस तरह से मेरा बोर्ड ओपन है, फिर भी लास्ट में एक दो कॉइन थोड़ी सी फंस जाती है, तो उसको देखो किस तरह से मैं पोर्ट करता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार कॉइन्स थे मेरे ओपन दिख रहे थे, पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, इसको खेल के एक खांदी कॉइन में फंसा लेता हूँ। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में कॉइन्स जा रहे थे मेरे दो, पर यहाँ पे मैं कॉइन फंसा के ले लेता हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में पूरा स्टैगर खींचता हूँ, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आराम से इस वाली कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और प्यारा सा एक किशोर मारने वाला हूँ, पहले तो मैं इसको ध्यान से पोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्रॉस खेलना पड़ेगा और स्लो कनेक्शन खेलना पड़ेगा। फिलहाल देखो दो कॉइन्स मेरे डिफिकल्ट है, मतलब दोनों कॉइन का रास्ता ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली कॉइन को नहीं कि किशोर मारूंगा टॉप राइट में, और आराम से देखूँगा पोर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आराम से खेलना है गाइस, क्योंकि नहीं है अपना गेम भाई पूरा पूरा ओपन और फिनिश होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आराम से इसको मार के इस वाली कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे इस वाली कॉइन को भी कनेक्शन मार के इस वाली कॉइन को मैं इजीली, मतलब बहुत इजीली पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो भी इसको इजीली फिनिश कर लेते हैं इस गेम को, और सेकंड गेम पे लगाते हैं। यहाँ पे सेकंड गेम पे भी देखना किस तरह से मैं बहुत ही खतरनाक शॉट खेलता हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ कट, और जो कॉइन्स मेरे बीच में वो निकाल लेता हूँ सेंटर में के, तो अच्छी तरह से कॉइन्स तो नहीं निकले, पर रेड वाली कॉइन थोड़ी सी श्योर हो चुकी, तो रेड वाली कॉइन को मैं देख रहा था टॉप लेफ्ट में मारने के लिए, पर इतनी खास ओपन नहीं थी, तो मैं पहले देखता हूँ इस वाली कॉइन की निकाल के, मतलब इस वाली कॉइन से निकाल के, पर यहाँ पे भी कुछ कॉइन अपने ओपन होती नहीं है खास। और आप लोगों को लग रहा होगा भाई गेम पूरा क्लोज हो चुका है, भाई क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कॉइन्स तो वैसे तो क्लोज चुके, पर मेरे पास एक शॉट था ये वाला, तो मैं टॉप राइट में इसको प्यारा सा एक शॉट खेल लेता हूं, और इस वाली कॉइन को पोर्ट करके कुछ कॉइन मेरे निकाल लेता हूं, और बहुत ही अच्छी तरह से कुछ कॉइन निकल जाते अपने। अब यहां पे देखो फिलहाल अभी रेड वाली क्वीन भी श्योर हो चुकी है, तो मैं पहले इसको खेल लेता हूं, एक और कॉइन श्योर कर लेता हूं फिलहाल। और यहां पे गाइस अभी देखो, यहां पे जो टॉप लेफ्ट में दो कॉइन्स है मेरे, उनको भी मुझे निकालना है, एक कॉइन तो श्योर है वैसे, पर अपनी ओपनेंट की जो कॉइन है ना टॉप लेफ्ट में, वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ पे पहले मैं इस वाली कॉइन को सीधे सीधे पोर्ट कर लेता हूँ रेड वाली कॉइन को, और इसकी मदद से जो सेंटर के बीच में कॉइन निकालने की ट्राई कर रहा था, पर चलो रास्ता क्लियर हो चुका है, तो मैं कट मार सकता हूँ टॉप लेफ्ट में इस वाली कॉइन को, तो मैं इसको टॉप लेफ्ट में कट मार लेता हूँ। और यहाँ पे दो कॉइन्स फिर भी टॉप लेफ्ट में थोड़े से क्लोज है, तो उनको देखो किस तरह से पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ओपनेंट की कॉइन की मदद से भी कनेक्शन इजीली मार लेता हूँ, और लास्ट वाली कॉइन को निकाल लेता हूँ, पर इतनी खास नहीं निकलती, पर यहाँ पे मेरे पास एक शॉट था और ये वाला, तो पूरा प्रेशर अपने ओपनेंट के कॉइन पर रखने का, और यहाँ पे अपनी इजीली कॉइन अपनी पोर्ट हो जाती है इस तरह से। तो लाइक कर दो गाइस, नहीं किया हुआ तो लाइक, तो चलते हुए नेक्स्ट गेम प्ले पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले पे आ चुके हैं, ब्रेक अपने ओपनेंट को मिलता है, पर ब्रेक इतना खास नहीं लगा पाता अपना ओपनेंट, क्योंकि भाई फेयर प्लेयर मिला था बहुत दिन के बाद। तो चलो भाई यहाँ पे वो एक कॉइन निकाल लेता है, पर मेरे पास एक शॉट था टॉप राइड में, एक कॉइन जा रही थी, तो मैं इसको पहले मार लेता हूँ टॉप राइड में, और कुछ कॉइन निकाल लेता हूँ, और निकल भी चुके हैं दो कॉइन, पर यहाँ पे इतने खास नहीं निकले, क्योंकि उनसे मैं कुछ भी कॉइन निकाल नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और शॉट ट्राई करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्रॉस खेलूंगा, और जो कॉइन्स अपने ओपन के फ्रेम में उसको निकालूंगा, और देखूंगा भाई उससे कुछ मदद हो सकती है कि नहीं। गाइस ये कॉइन बहुत सही जगह पे आती है, क्योंकि इसकी मदद से मैं एक दो कॉइन मेरे निकाल लेता हूँ फाइनली। और यहाँ पे देखो कुछ कॉइन निकल चुकी है, मतलब एक ही कॉइन निकल चुकी है, पर यहाँ पे देखेंगे भी दूसरा ट्राई करेंगे कुछ और निकालने के लिए, और गेम इसी तरह से हार्ड होने वाले गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा बने रहो वीडियो में। टॉप राइट में इसको कट मारूंगा क्रॉस, कुछ और कुछ कॉइन निकालने का ट्राई करूंगा, पर कॉइन्स यहाँ पे भी मेरे इतने खास ओपन नहीं होते। तो यहाँ पे देखो किस तरह से भी मैं क्या खेलने वाला हूँ, एक और प्यारा सा कनेक्शन शॉट खेलूंगा टॉप लेफ्ट में, बहुत हार्ड शॉट होने वाला गाइस। कोई शॉट लग गया ना गाइस, तो आप लोगों ने प्यारा सा एक कमेंट कर लेना, मतलब इनडायरेक्ट शॉट कटेगा ना, तो प्यारा सा एक कमेंट कर दो जो आपके मन में आए। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट पे इसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो बहुत ही खतरनाक ये शॉट लग जाता है, और कॉइन पोर्ट भी हो जाती है, और कॉइन्स फिर भी नहीं निकलते अपने, एक कट दुक्कट कॉइन रहती है। पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्शन मारने का ट्राई कर रहा था, मतलब किस शॉट, और यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या होता है, फिलहाल देखना आप लोगों ने, बने रहो वीडियो में। पहले तो मैं इसको इनडायरेक्ट खेल लेता हूँ, जो कॉइन शिवर थी मैंने बोला इसको खेल लेते पहले, और बाद में ट्राई करते भाई किस शॉट, बाद में मुझे लग रहा था भाई क्योंकि कॉइन मिस भी हो सकती है, तो जो शिवर कॉइन रहती है भाई उसको मारने का ट्राई करता हूँ, और मार भी लेता हूँ। पर यहाँ पे भाई चार तरफ से मैं क्लोज हो चुका हूँ, और यहाँ पे मैं मारने का ट्राई कर रहा था टॉप लेफ्ट में किस शॉट, पर यहाँ पे मेरा फॉल हो जाता है। तो ये सेकंड गेम प्ले भी अपना ओपनेंट फिनिश करके चला जाता है। फिर मैं थर्ड गेम प्ले लगाता हूँ, यहाँ पे देखो गेम किस तरह से फिनिश करने वाला हूँ, एक कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ टॉप राइट में, और इसमें नहीं जो थंबनेल में शॉट लगाया था गाइस, वो आप लोगों ने देखना है किस तरह से मैं यहाँ पे अपने पक रिलीज शॉट खेलता हूँ, मतलब एक पक पूरी तरह से फंसी हुई रहती है, एक पक ओपन रहती है, और उसको बहुत ही प्यारा सा एक मतलब रिलीज शॉट बोलते हैं ना अपन, मतलब टच शॉट, उसको खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप राइट में भी एक कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ही कॉइन थी ये वाली शिवार, तो टॉप लेफ्ट में एक रेड वाली कॉइन चल जाती है, और यहाँ पे फिलहाल दिख रही थी मुझे दो कॉइन्स, तो दोनों कॉइन को मेरे को क्या करना है, सिंपली पोर्ट करना है। तो पहले मैं इसको मार लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपल पोर्ट करके यहाँ पे कुछ कॉइन निकालने का ट्राई करता हूँ, पर एक और कॉइन में पोर्ट
कर लेता हूँ, मतलब पोर्ट नहीं ब्लॉक कर लेता हूँ, और फिर से मैं इससे ट्राई कर रहा था भाई निकालने का जो फंसी कॉइन है तो ऊपर अपने ओपन के फ्रेम को चिपक के, पर कोई नहीं। यहाँ पे ये वाला शॉट था मेरे पास, तो ये वाला शॉट मैं देखो किस तरह से मारता हूँ और यहाँ पे इस वाली कॉइन को इजीली पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात है गाइस, किस तरह से मैं भी पग को रिलीज करने वाला हूँ, ध्यान से देखो किस तरह से रिलीज करूँगा। अभी ऊपर में जो अपने ओपन की पग है उसके सहारे में जो राइट साइड में जो मेरी पग है उसको पोर्ट करूँगा गाइस। और ये शॉट कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना यार, ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए मैं ऐसी गेम पे लेके आते आऊँगा, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो वीडियो तो बता देना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं इस वाले कॉइन को लास्ट वाले कॉइन को सीधा सा पोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से निकाला हूँ ना कॉइन मैंने, और उसको पोर्ट करके गेम को विन भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक और गेम पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे देखना किस तरह से गेम को फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा था, मैं उसको फुल पावर के साथ मार लेता हूँ, क्योंकि अपनी ओपनेंट की कॉइन जो रहती है ना गाइस मैंने वाला बीच में आएंगे हट जाएंगी, पर हट्टी नहीं, अभी फिर से यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है अपने रास्ता टॉप राइट की पॉकेट का। कोई नहीं, उसको भी ट्राई करिए निकालने का। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको टॉप लेफ्ट में कट मारता हूँ बहुत ही बारीक सा, और यहाँ पे कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ। और इससे भी कुछ फायदा नहीं होता गाइस, देखो कितना बैड लक चालू है, पर कोई नहीं, कुछ कॉइन तो श्योर है मेरे पास। रेड वाली कॉइन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको भी निकालेंगे अपन। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली कॉइन से रेड वाली कॉइन जो है अपनी निकाल लेता हूँ पहले, और भाई फाइनली वो निकल चुकी रेड वाली कॉइन। अब यहाँ पे दो लास्ट वाली कॉइन को देखो किस तरह से रिलीज़ करूँगा। पहले तो मैं इससे ट्राई कर रहा था अपनी जो कॉइन है वो रिलीज़ करने का, पर कॉइन अपनी नहीं निकलती है, और नहीं निकलती है तो फिर मेरे पास ये वाली कॉइन थी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी मदद से जो कॉइन है अपनी ओपनेंट की उसको हटा लेता हूँ बड़ा शॉट मार के, और ये की भी गेम मैं इजीली विन कर लेता हूँ लास्ट वाली कॉइन को पोर्ट करते। और भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले पे, यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखते भी किस तरह से अपन ये गेम को फिनिश कर पाएंगे। वैसे तो ब्रेक तो बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है अपने को, और अच्छी तरह से ब्रेक भी लगा लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देख रहा था मैं इस वाली कॉइन को पोर्ट करके कुछ और कॉइन निकाल लूँ, और कॉइन भाई देखो नहीं निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब पूरे खेल खेल के निकालना पड़ रहा है गाइस, क्या ही बोलूँ। मतलब जिस तरह से रिलीज़ होना चाहिए उस तरह से कॉइन अपने रिलीज़ नहीं हो रहे, तो कोई ना अभी ट्राई करेंगे अभी और कुछ कॉइन निकालने का। अभी ये देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में ये वाली कॉइन है, तो उसको थोड़ा सा क्रॉस कर लूँगा टॉप लेफ्ट में जो बीच में कॉइन से उनका थोड़ा सा रास्ता क्लियर कर लूँगा। ओके गाइस, यहाँ पे एक कॉइन और श्योर हो चुकी है, तो यहाँ पे अपने ओपोनेंट के कॉइन को मैं हटाऊंगा, इसको कट मार के थोड़ा ज़ोर से मारूंगा, क्योंकि अपने जो ओपोनेंट की कॉइन है वो बीच में से हट जाए, और यहाँ पे हट भी जाती है। अब ऊपर में जो कॉइन है गाइस देखना आप लोगों ने किस तरह से निकालूंगा। वैसे तो मैं इससे निकालने का ट्राई कर रहा था, पर अपने ओपोनेंट की कॉइन बीच में आ जाती है, देखो आप लोग, इससे मैं ट्राई कर रहा था निकालने का, पर अपनी कॉइन नहीं है क्या, अपने ओपोनेंट की कॉइन अपने कॉइन के सामने आ जाती है। फिर मेरे पास ये वाला शॉट था, तो ये वाले शॉट से क्या करने वाले अपन, जो ऊपर की जो कॉइन फंसी हुई है उसको निकाल लेंगे। कैसा लगा गाइस ये शॉट, तो आप लोगों ने मतलब सोचा भी नहीं होगा इस तरह से मैं निकालूंगा अपनी कॉइन, क्योंकि सामने अपने ओपोनेंट की कॉइन थी और यहाँ पे थोड़ा सा शॉट भी थोड़ा मिस हो सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको भी निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो ये भी ब्रेक मुझे अच्छा मिलता है, और मैं ब्रेक बहुत ही आसानी से लगा लेता हूँ, और यहाँ पे देखना लास्ट में क्या होता है इस गेम प्ले में। और गाइस कल लाइव स्ट्रीम फिर से करने वाले हैं, तो लाइव स्ट्रीम में फिर से आ जाना। वैसे मैं फिर मैं ट्राई करूँगा 3 बजे 2 बजे तक करने का, तो आप लोगों ने आ जाना है ज़रूर। तो चलो अब इस वाले गेम को फिनिश करते हैं, और यहाँ पे देखो किस तरह से फिनिश करूँगा। वैसे इतना गेम अपना हार्ड फंसता नहीं है, क्योंकि मेरे जो कॉइन्स रहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ओपन रहते हैं, तो मैं अभी बहुत ही आराम से इसको खेलूंगा, पूरे गेम को फिनिश करूंगा टॉप लेफ्ट में इसको कट मारे बाद। अब 3 कॉइन बचते मेरे, अब तीनों को भी प्यार से पोर्ट करूंगा, ज़्यादा इंडायरेक्ट नहीं खेलूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको टॉप लेफ्ट में खेल लेता हूँ, और यहाँ पे आराम से इसको पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 2 कॉइन्स जो लास्ट वाले उनको प्यार से पोर्ट करूंगा, भी ज़्यादा इंडायरेक्ट नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे कैसा गाइस अपनी कॉइन जो है ना फंस भी सकती है, इससे मैं थोड़ा सा आराम से खेलता हूँ इसको, और फिर लास्ट वाले कॉइन को पोर्ट कर लेता हूँ आसानी से, और यहाँ पे गेम भी विन कर लेते हैं। चलते अभी नेक्स्ट गेम प्ले पे, और ये लास्ट गेम प्ले होने वाला है शायद, ठीक है ना गाइस। तो लाइक कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से एक कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ, कुछ कॉइन निकाल लेता हूँ। वैसे देखो आप लोग कॉइन्स की पोजीशन देखो गाइस आप लोग पहले, और यहाँ पे देखो किस तरह से कनेक्शन मार के मैं इसको कॉइन को निकालूंगा टॉप लेफ्ट में, इसको कनेक्शन मार के जो कॉइन फंसी हुई रहती है मेरी वो निकाल लेता हूँ। पर भी इतने अच्छे कॉइन्स अपने निकलती नहीं है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको पहले आराम से पोर्ट कर लेता हूँ धीरे से, रेड वाली कॉइन और एक कॉइन अपनी फंसी हुई टॉप लेफ्ट में। तो मैं इससे ट्राई करता हूँ अभी कुछ कॉइन निकल जाए, और फाइनली भाई इस शॉट से भाई जो कॉइन मेरे निकलते ना गाइस क्या ही बोलूँ। और यही एक अपना ब्रेक फिनिश करने वाला शॉट था, और यहाँ पे भाई इस वाली कॉइन को पोर्ट करके यहाँ पे गेम को अपन विन कर लेते हैं। तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक शॉट ट्राई कर लेता हूँ टॉप राइट में, और यहाँ पे इजीली इस वाली कॉइन को मैं पोर्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाली कॉइन को भी इनडायरेक्ट पोर्ट करके इसको गेम को मैं फिनिश करूँगा। तो चलो भाई इसको भी लास्ट वाली कॉइन को इनडायरेक्ट पोर्ट करते, और भाई यहाँ पे गेम अपना हो जाता है गाइस खत्म। तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो कल एक हर वीडियो के साथ मिलूंगा, तभी के लिए बाय गाइज़।